धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी कभी सफलता देर से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को लुगुन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जब रास्ते में शिष्यों को दिखे बहुत सारे गड्ढे तो उन्होंने बुद्ध से इसका रहस्य पूछा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है, जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यहां जानिए वह प्रसंग जिसमें बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। प्रचलित प्रसंग के अनुसार, एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु बुद्ध से पूछा कि तथागत कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताइए, एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं। गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्य पूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, क्योंकि वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।